सर लेवल कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ससुरे का इंतकाल हुआ 22 जुम्मे के दिन हुआ, वो भी सवेरे 10 बजे हुआ। 10 बजे से उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग घूम रहे उनके दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे कि हम लोग आके भी इधर बहुत साल हो गया, यहाँ पे बनलागुड़ा में भी आके तो इनके बेटे गए कहीं कहीं घूमे। हम लोग बनलागुड़ा के मस्जिद में भी गए, मस्जिद के पास गए तो वो लोग दफनाने के लिए जगह बताए, वो भी गवर्नमेंट जगह पे बताए। वो खोदे फिर उसको बंद करने लगाए, फिर लंगर हाउस पे गए, पीतन चरू पे गए, कहाँ गए, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो एक हिंदू आदमी बोला, एक कॉरपोरेटर है, वो कौन है नहीं मालूम है, मग संदीप अन्ना बोलते उनको, तो वो हिंदू जगह पर बता दिए शेखर अन्ना। तो हिंदू जो मस्जिद वाले वहाँ पे जाते खुद भी नहीं रोके हमको, ये डोला लेके जाते हो भी नहीं रोके। हिंदू कब्रिस्तान में दफना है हमारे ससुरे को, ये हिंदू मशान घाट में दफना है उनको, अपने मुसलमान को वहाँ दफना है, ये कहाँ का इंसाफ है। हमारे शर्म आने की बात है, ये सबको शर्म आने की बात है। ये अपने मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे, मुसलमान का इंतकाल हुआ तो कहाँ पे जाना, कहाँ पे गाना नहीं मालूम। बोले हम एरिया के लोगों को ही बोले, यहाँ पे जो खरीब में मस्जिद है गोरे मियाँ ख्वाजा मियाँ बोरा मियाँ ख्वाजा मियाँ, हाँ उन लोग की बोले। हम लोग जाके वहाँ पे खोदे भी, खोदने के बाद भी वो फिर बंद करने लगा है मस्जिद के पास, वो भी गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, कब्रिस्तान है मस्जिद के पास। हम असल करनूल के रहने के वाले हैं, इधर आके 35 साल हो रहा हम लोग को, 35 साल हो रहा। छोटे छोटे रहे जब भी आए, हमारे ससुरे के बच्चे छोटे छोटे रहे जब भी इधर आए, हम लोग यहाँ पे आके गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अजीज नगर गए तो भी अजीज नगर में नहीं लाने दिए, नहीं लाते, नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है, बोले कहीं को मुसलमान नहीं, ऐसे इंसाफ आई है। इंसान है वो जानवर है, उन्हों मर गए तो कहाँ लग जाते, धेड़ा रखते जगह लग जाते हैं उनको, ये कैसे इंसाफ है बताना। हमारे ससुरे कैसे थी मुसीबत, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। हाँ हिंदू लोग मिलकर जगा दिए, अब हिंदू लोग में नहीं आए तो हम किधर लग जाना। मगरिब हो गई यहाँ पे, लाश बोट ने कही तो किधर जाना, अपना मुसलमान ही किधर जाना बताओ, साथ नहीं दे रहा अपना मुसलमान ही, अपने मुसलमान साथ नहीं दिया। कब्रिस्तान है लेकिन कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए। मुसलमान आदमी जीना क्या सवाल है इधर, हमारा भाई का बेटा मारा है तभी किधर भी कब्रिस्तान से कब्रिस्तान फिर है, कोई भी नहीं दिया। फिर के एक दिन हो गया इधर, वो गाली लीडर को संदीप भाई को वो उनका वो दो लीडर को पकड़ के लेकर गए। मुसलमान भाई नहीं दिया तो हिंदू वाले उन कब्रिस्तान में दिया। एक मिसाल कायम करे लो, हाँ एक इंसानियत का मिसाल कायम करे। मेरा नाम संदीप है, गंदमगुड़ा बैरागुड़ा विलेज सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी लीडर हूँ मैं। मेरे कॉलोनी में मोहम्मद, क्या नाम है आपके अभी का नाम, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ का इंतकाल हो गया था परसों। तो इंतकाल होने से जगह के लिए हम लोग गए लंगर हाउस को गए, और लंगर हाउस पे अपना लेफ्ट साइड में है ना वो पिंटू भाई के ज़मीन में गए। वहाँ पे जाके बहुत बड़ा है, मैं भी खुश हो गया भाई, मुसलमान का जगह इतना बड़ा है, मैं भी कभी नहीं देखा था अंदर घुस के। तो पहली बार गया तो अरे यहाँ पे बहुत बड़ा है, जगह मिल जाती बोल के बहुत खुशी से हुआ था। जाके पिंटू भाई को फ़ोन करा, अन्ना ऐसा हमारे खाली में इंतकाल हो गया, ऐसा आदमी को लगाना बोले। तो उन लोगों बोले नहीं भाई, ये रिटायरमेंट आर्मी लोगों का है, ये मुसल उन लोगों के वास्ते है, सबके लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलेगा जगह आपको, दूसरी जगह जाके देखो बोले। तो ठीक है बोल के फिर हम पिरमचेरू गए, पिरमचेरू कॉरपोरेटर ख्वाजा भाई को बोले, भाई ऐसा ऐसा है, बोलते हैं नहीं संदीप भाई यहाँ पे भी नहीं है अपने पास जगह, उधर ही देखो कहाँ, तो अभी लंगर हाउस में बोल तो पूरा घूम के आया ना। ठीक है बोल के फिर यहाँ गंदमगुड़े पे आया, गंदमगुड़ा पे जो बड़े लोग हैं उन लोगों को फ़ोन किया, फ़ोन करके भाई ऐसा ऐसा इंतकाल हो गया, ऑलरेडी 3 बज रहा अपने को यहाँ पे, कहाँ तो भी थोड़ा जगह दे दो, थोड़ी कोने पे कहाँ तो भी थोड़ी जगह दे दो, अब उन्होंने गदवाल को कहाँ लेके जाएंगे, आपका मुसलमान का आदमी है बोले। तो बोलोगा नहीं नहीं ये हमारे खानदानी जगह है, हम लोग नहीं देते भाई, जनूरा में बहुत